हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रुति और आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ साबूदाना खिचड़ी, बिकॉज नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, एंड मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, एंड लाइक एंड शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे अपने कॉमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया, इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी भिगो के रख दिया था। एंड नाउ यू कैन सी साबूदाना इज रेडी। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आलू लिया है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे जिंजर पेस्ट एंड ग्रीन चिली लिया है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में घी ऐड किया है। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम उसमें मूंगफली को ऐड करेंगे, अच्छे से हम इसको रोस्ट कर लेंगे। इसको आपको चलाते रहना है। मूंगफली हमारी रोस्ट हो जाएंगी तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है, अब हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जीरा ऐड करेंगे, जैसे हम जीरा को भून देंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे जिंजर पेस्ट एंड ग्रीन चिली ऐड करेंगे, अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे और लाइट ब्राउन होने तक हमें इसको चलाते रहना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा देन हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और अच्छे से हम टमाटर को चलाते रहेंगे। जब टमाटर हमारा अच्छे से गल जाएगा देन हम उसमें आलू मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने आलू को ऐड कर दिया है एंड अच्छे तरीके से हम सबको मिक्स कर लेंगे एंड इसको कंटिन्यू हम इसको चलाते रहना है। इसके बाद हम यहाँ पर साबूदाना को ऐड करके, आप देख सकते हैं साबूदाना का आपको एक एक दाना नज़र आ रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको 3 बार वॉश किया था, उसके बाद इसका जो भी चिपचिपापन है वो निकल गया है, इसलिए आपको इसका एक एक दाना नज़र आ रहा है। तो अच्छे से हम सबको मिक्स कर लेंगे। हमें इसको चलाते रहना है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर एंड रॉक सॉल्ट। एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे रोस्ट की हुई मूंगफली को ऐड कर रहे हैं। तो अच्छे से सबको मिक्स करना है, हमें चलाते रहना है। इसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए बनने देते हैं और आप देख सकते हैं साबूदाना की खिचड़ी तैयार हो गई है। कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन उसको भी क्लिक कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।